लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे को लेकर ट्विटर पर एक खुला पत्र लिखा है, कहा, हार के लिए मैं जिम्मेदार। राहुल गांधी ने दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा, चार पन्नों का पत्र लिखकर कहा, हार के लिए मैं जिम्मेदार। आम चुनावों में हार की जिम्मेदारी लेकर दिया इस्तीफा, मोतीलाल वोरा बने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष। राहुल गांधी ने लंबे वक्त तक अपने इस्तीफे की बात पर अड़े रहने के बाद अंततः इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक ओपन लेटर भी जारी किया है। इस ओपन लेटर में राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने पत्र में 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को मिली हार का जिक्र करते हुए लिखा, अध्यक्ष के नाते हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने आगे लिखा, पार्टी को जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। गांधी ने लिखा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हमारी पार्टी के विकास के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण है, इस कारण से मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहना मेरे लिए गर्व की बात है। राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की सेवा करना मेरे लिए गर्व का विषय है, जिस पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से देश का विकास हुआ है। मैं देश और पार्टी से मिले प्यार के लिए आभारी हूँ। राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 में मिली हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हमारी पार्टी के भविष्य के लिए जवाबदेही जरूरी है, यही कारण है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। राहुल गांधी के इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस ने सीनियर लीडर एवं गांधी परिवार के खासम खास माने जाने वाले मोतीलाल वोरा को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। बहरहाल कौन होगा कांग्रेस का नया कप्तान, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जानकार इसे भारतीय राजनीति का नया अध्याय मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।